For more videos, please subscribe, like and share. गुप्त नवरात्रि का नौवां दिन यानी मां मातंगी का दिन। जिस तरह चैत्र और शारदीय नवरात्रों के दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की दस महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा की इन्हीं दस महाविद्याओं में से एक है देवी मातंगी। आइए सुनते हैं देवी मातंगी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मतंग भगवान शिव का नाम है और उनकी शक्ति मातंगी है। इस तरह से देवी मातंगी माता पार्वती का ही एक रूप है। मातंगी देवी को प्रकृति की देवी, वाणी और कला संगीत की देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा के आशीर्वाद से ऋषि मतंग के घर कन्या के रूप में जन्म लेने की वजह से इनका नाम मातंगी पड़ा। देवी मातंगी के रूप की बात करें तो उनका रंग गहरा नीला है। अपने मस्तक पर इन्होंने अर्धचंद्र धारण कर रखा है और मां के तीन ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथों में वीणा और कपाल और बाएं हाथ में खड़ग। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। ऐसी मान्यता है कि मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए कोई व्रत नहीं रखा जाता। यह देवी केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि देवी मातंगी को जूठन का प्रसाद या भोग अर्पित किया जाता है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, भगवान शिव और मां पार्वती से मिलने कैलाश पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर आए थे जिसे उन्होंने शिव जी को भेंट में दिया। भगवान शिव और मां पार्वती ने विष्णु जी से उपहार में मिले भोजन को खाया तो भोजन का कुछ हिस्सा धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन से श्याम वर्ण वाली एक देवी ने जन्म लिया जो मातंगी देवी के नाम से विख्यात हुई। यही वजह है कि मां मातंगी को जूठन का भोग लगाया जाता है। मां के इस अलौकिक रूप को शत शत प्रणाम। जय माता दी।